अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन आज हम डाबू गांव में पहुंचे हैं जो तकरीबन दार अस्सलाम से 12 घंटे के फासले पे है। ये डिस्ट्रिक्ट लेसोथो तंजानिया का एक गरीब तरीन गांव है। आप लोगों की हालत देख सकते हैं, इनके पाँव में चप्पल नहीं है और कपड़ों की हालत भी देख सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हमारे गनी फैमिली ने अपने बेटे दानिश गनी के लिए यहाँ पर एक वेल डोनेट किया। आप देख सकते हैं यहाँ पे 720 अफराद रोज़ाना इस वेल से मुस्तफ़ीद होते हैं। यहाँ इर्द गिर्द सारे गांव यहाँ से पानी लेते हैं। ये वेल ओरिजिनली उनकी मस्जिद के साथ था, लेकिन आपको पता है नाज़रीन, अफ्रीका में हर जगह पानी निकालना बहुत ही एक बड़ा चैलेंज है। हमने हर तरह से कोशिश की लेकिन इनका वेल मस्जिद के साथ नहीं निकल सका, तो इस वेल को शिफ्ट करना पड़ा क्योंकि यहाँ से हमें रिक्वेस्ट आई थी। इससे पहले लोग, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर बारिश का पानी इकट्ठा होता था और लोग पानी पीते थे, लेकिन चूंकि बारिश सारा साल नहीं होती, तो जब बारिश नहीं होती थी तो इन लोगों को दूर दूर जाना पड़ता था पानी के लिए। बट अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों के तावन से, तकबीर टीवी के नाज़रीन के तावन से और ख़ासकर गनी फैमिली के तावन से अल्हम्दुलिल्लाह हमने इनके पानी का मसला हल कर दिया। नाज़रीन पानी से बड़ा सदका जारिया कोई नहीं है और इनसे गरीब तरीन लोग और कोई मौजूद नहीं है। आप इनकी हालत देख सकते हैं, मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। आपका सदका गरीब तरीन और मुस्तहक तरीन लोगों को पहुंच रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं यकीन दिलाता हूं दानिश गनी फैमिली को कि इससे बड़ा सदका जारी और नहीं हो सकता और इससे ज़्यादा सवाब वाला काम नहीं हो सकता जो उन्होंने अपने मरहूम बेटे दानिश गनी के लिए किया है। और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ उन तमाम लोगों से जो इस नशरियात को देख रहे हैं कि प्लीज़, पानी का सदका सबसे बड़ा सदका है और सबसे ज़्यादा ज़रूरत अफ्रीका में है। अफ्रीका के चाहे किसी भी इलाके में बनाएँ, लेकिन अफ्रीका में बनाएँ। पाकिस्तान में, बाकी बांग्लादेश में, बाकी इर्द गिर्द कंट्रीज़ में पानी की ज़रूरत है, लेकिन वहाँ पे पानी मौजूद है। वहाँ पे लोगों को मीलों दूर नहीं जाना पड़ता। यहाँ अफ्रीका में लोग मीलों मील दूर जाते हैं पानी के लिए। अब कोई भी आके यहाँ पे फिज़िकली ख़ुद देख सकते हैं कि 3-3, 4-4 किलोमीटर लोग पानी के लिए जाते हैं और पानी ले के आते हैं। Tunamwombea Danish Gani, Mungu ambariki, alale mahali pema. Assalamu alaikum, my name is Rajab Sham, is the secretary of MP of Mlalo Constituency. We are here in Dabwa village. We are very thanks to Hope Foundation for bringing this well here. The well will help about 720 people. Previously these people were searching water in different areas, but now they are taking this water very easy over here. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin. Amin. E Mwenyezi Mungu uliyetuumba sisi, tunakuomba umjalie Danish Gari kwa kutusaidia msaada huu huko aliko. Mwenyezi Mungu amweke mahali pema peponi. Amin. Walhamdulillah rabbil alamin. Amin.